नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजी नरेश। आज वृषभ राशि 2021 के मई महीने की बात करेंगे। मई 2021 वृषभ राशि, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह के ट्रांजिट से। शुक्र ग्रह का भ्रमण आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके राशि के अधिपति हैं, आपको कमांड करने वाले ग्रह हैं। शुक्र ग्रह का ट्रांजिट मेष राशि के अंदर है। शुक्र मेष के अंदर है 4 मई तक, यानी कि राशि से 12वें स्थान के अंदर है, जो कि आपको लॉन्ग मैटर में सक्सेस देने वाला है, लेकिन खर्च आपका बढ़ाने वाले होंगे, एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। और 2 मई से लेकर 28 मई तक शुक्र वृषभ राशि में चलेंगे, यानी कि आपकी राशि के अंदर चलेंगे, जो कि आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला है। दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ाने वाले होंगे। अविवाहित जो जातक हैं, इनको विवाह के योग क्रिएट करने वाले होंगे और पब्लिक लाइफ में भी ये सक्सेस देने वाले होंगे। तो शुक्र का ट्रांजिट 28 मई के बाद मिथुन राशि में होने वाला है, तो कुटुंब स्थान में, धन स्थान में, यहाँ पर भी शुक्र का फल बहुत शुभ होगा। वाणी से धन प्राप्ति करवाएंगे, जितनी मिठास नरमास रखेंगे वाणी में, इतना ही आपको ज़्यादा लाभ रहेगा। तो शुक्र ग्रह का जो फल है वो आपके लिए बहुत शुभ है। और शुक्र के बाद बात करेंगे सब ग्रह के ट्रांजिट के बारे में इस प्रेडिक्शन के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के ट्रांजिट से। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो 14 मई तक मेष राशि के अंदर है, यानी कि आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर है। अब 12वें स्थान में शुक्र का फल जो है वो शुभ नहीं माना जाता है, 12वें स्थान में सूर्य का फल शुभ नहीं माना जाता है। 14 मई तक राशि से 12वें स्थान के अंदर सूर्य है, जिसके कारण आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने हेल्थ के बारे में, रिलेशन विद फादर, रिलेशन विद गवर्नमेंट मैटर। सूर्य की ये उच्च राशि है, लेकिन 12वें स्थान के अंदर सूर्य है, इसका फल शुभ नहीं है। तो 14 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करके चल पड़ेंगे आपकी राशि के अंदर। तो आपकी राशि के अंदर सूर्य आ जाएंगे तो एनर्जी जो है वो आपकी राशि के अंदर बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगी आपकी राशि के अंदर। तो हेल्थ वाइज जो आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे ये या कर रहे हैं या इन समय के दरमियान होगा, तो अब आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। लेकिन इसके इफेक्ट में आपको पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा, क्योंकि सूर्य सबसे ज़्यादा उग्र ग्रह हैं और जो ये आपके चंद्र के ऊपर चलेंगे, यानी कि आपके माइंड के अंदर चलेंगे। तो चंद्र के ऊपर जब सूर्य आ जाता है तो माइंड का जो स्ट्रांगनेस है वो बढ़ जाता है, गुस्सा आपको बहुत आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में खास करके आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में केयर करना होगा। तो 14 मई से लेकर 14 जून तक का समय आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में केयर करना होगा। तो बुध ग्रह का भ्रमण क्या है? बुध आपकी 30 अप्रैल से वृषभ राशि में आ जाता है, यानी कि आपकी राशि के अंदर है 26 मई तक। तो बुध वृषभ राशि के अंदर है, सूर्य के साथ, बुध भी सूर्य के साथ चलेंगे, तो ये ट्रांजिट बुध का भी आपके लिए शुभ है। आपके जो बुध है वो धन स्थान के मालिक हैं, तो आपके कुटुंब सुख, धन सुख में वृद्धि करने वाले होंगे और इसके साथ साथ आपके संतान सुख में भी वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक बुध हैं। और 26 मई को बुध मिथुन राशि में चलेंगे तो धन स्थान के अंदर चलेंगे, तो बुध का ये ट्रांजिट आपके लिए शुभ है। तो सूर्य बुध शुक्र, शुक्र का जो ट्रांजिट है ये 28 मई तक है और बुध का जो ट्रांजिट है वो 26 मई तक है। तो सूर्य 14 तारीख के बाद, तो तीनों दिन साथ में चलेंगे सूर्य, बुध और शुक्र आपकी राशि के अंदर, जिसके कारण आपका थोड़ा नेचर शॉर्ट टेम्पर रहेगा, आपको टॉकेटिव बनाएंगे, आपको जॉली बनाएंगे, आपको लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे, बिजनेस में, करियर में सफलता देने वाले बनेंगे। तो
तो बुध का जो भ्रमण है वो 28 तारीख के बाद वो भी शुभ है, शुक्र का 28 के बाद शुभ है, 26 के बाद बुध का भी मिथुन राशि में शुभ फल है, लेकिन मंगल आपके यहाँ पर चलते हैं धनस्थान के अंदर। तो मंगल धनस्थान के अंदर जो है वो इतना शुभ फल देने वाले नहीं है, क्योंकि जो 24 तारीख से यानी कि आज से मंगल का, आज 24 तारीख है हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मंगल अभी आद्रा नक्षत्र में भ्रमण शुरू कर चुके हैं। 24 तारीख को रात को 1:42 को मंगल आद्रा नक्षत्र में भ्रमण शुरू कर चुके हैं, जो कि 16 मई तक चलने वाले हैं। उसके बाद चलेंगे मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में आद्रा के बाद मिथुन राशि के अंदर। तो 24 अप्रैल से 16 मई मंगल जो आद्रा नक्षत्र में है, ये आपके लिए थोड़ा सा पारिवारिक समस्या क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें भी खास करके जिनका भी जन्म का सूर्य रोहिणी है या तो जिनका जन्म का चंद्र रोहिणी है, ये जातक थोड़ा सा ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो आने वाले समय में आपको वाणी में संयम बरतना होगा और रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों को ज़्यादा केयर करना होगा। यही ट्रांजिट वृषभ राशि में मृग शिरा वाले जातकों के लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली होगी, मंगल की धन संपत्ति में वृद्धि करने वाली होगी। तो आप देख रहे हैं कि राशि एक ही है, कृतिका के लिए मध्यम फलदायी है, रोहिणी के लिए जबरदस्त टेंशन वाला है, जबकि मृग शिरा के लिए जबरदस्त बेनिफिट करने वाला है। तीनों तीन नक्षत्र के लिए इसका जो फल है वो अलग 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 हैं। एक हालांकि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं, तो कृतिका के 3 चरण वृषभ राशि के अंदर हैं, रोहिणी के 4 चरण और मृग शिरा के 2 चरण, ऐसे 9 चरण मिला के ये वृषभ राशि बनती है। तो आद्रा का जो ट्रांजिट है वृषभ मृग शिरा के लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला होगा और रोहिणी के लिए टेंशन वाला होगा और कृतिका के लिए मध्यम फल नहीं होगा। फिर भी तमाम जातकों को, वृषभ राशि वाले जातकों को वाणी में संयम बरतना होगा, क्योंकि आद्रा नक्षत्र का जो है ये फल ठीक नहीं है मंगल का, तो इसके कारण लड़ाई झगड़ा ये सब अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ प्रॉब्लम बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल के अंडर में आते हैं आपके भाई बहन, आपके ब्लड रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, ये सब कुछ मंगल के अंडर में आते हैं। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा इन समय के दरमियान, क्योंकि मंगल का आद्रा नक्षत्र में भ्रमण ठीक नहीं है। तो पुनर्वसु में फल क्या होगा? पुनर्वसु में जब मंगल चलेंगे तो यही ट्रांजिट कृतिका के लिए प्रत्यारी नक्षत्र में होंगे, यानी कि ऑपोजिशन होगा आपके ब्लड रिलेटिव्स की ओर से। आद्रा वाले जातकों के लिए रोहिणी वाले जातकों के लिए ये पुनर्वसु है वो क्षेम तारा के अंदर होंगे, यानी कि आपके लिए मध्यम फलदायी होंगे, और मृग शिरा के लिए ये विपत्त में चले जाएंगे। तो मृग शिरा में जिनका जन्म हुआ है वृषभ राशि में, ये जातक अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, अपने ब्लड रिलेटिव्स को लेकर, ये सब जगह पे आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो मंगल का ट्रांजिट धनस्थान के अंदर है, इसके कारण आपको व्हीकल ड्राइव में भी केयर करना है, वाहन चलाने में भी केयर करना है, पारिवारिक मामलों में भी केयर करना है, आंखों का भी विशेष केयर करना होगा इन समय के दरमियान। तो गुरु आपके 10वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, गुरु घनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र 22 मई तक है घनिष्ठा, 22 मई से 20 जुलाई गुरु चलेंगे सतविशा नक्षत्र में। तो सतविशा का जो ट्रांजिट है गुरु का, ये खास करके वृषभ राशि में मृग शिरा नक्षत्र में जन्मे जातकों को एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला होगा। और जो अभी घनिष्ठा में गुरु चल रहे हैं 22 मई तक, ये वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में जन्मी हुए जातकों के लिए ज़्यादा शुभ फल देने वाला है। तो शनि आपके भाग्य स्थान के अंदर हैं जो मध्यम फलदायी है,
राहु आपकी राशि के अंदर चल रहा है, जिसके कारण आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन बढ़ाने वाले हैं। और केतु आपके सप्तम स्थान में चल रहे हैं, जिसके इफेक्ट में आपको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में केयर करना होगा। कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना होगा वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। वीडियो को एक लाइक का बटन भी जरूर बनता है, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। अब बात करेंगे कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना होगा इस मंथ के अंदर। वो इस प्रकार रहेगा, 30 अप्रैल और 1 और 2 मई, जिसमें चंद्र चलेंगे धनु राशि में, और इसके अलावा चलेंगे चंद्र इसके साथ साथ 30 और 31 मई को धनु राशि के अंदर। तो मंथ की शुरुआत और मंथ का एंड धनु राशि के चंद्र जो है, इसमें आपको पारिवारिक मामलों में केयर करना है, फाइनेंशियल मैटर में केयर करना है। नदी समंदर तालाब किनारे जाते हो तो पानी में अंदर ज्यादा आपको नहीं उतरना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 9, 10, 11, जिसमें चंद्र चलेंगे मेष राशि में, तो मेष के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र के अंदर भी आपको लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और इसके अलावा डेट आपको टेक केयर करना होगा 19, 20 और 21, जिसमें चंद्र चलेंगे सिंह राशि में, तो सिंह के चंद्र राशि से 4थे स्थान के चंद्र बनते हैं। 4थे चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। वृषभ राशि वाले आपके मित्र हैं तो उनको ये वीडियो आप जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। आने वाला समय आपका शुभ रहे ऐसी शुभकामना। जय गणेश, गुड लक, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स।